वेलकम बैक टू दि प्रीवियस लेसन द प्राइसलेस गिफ्ट। यस्टरडे वी डिस्कस्ड द राइटर मेट मिसेस बेथी व्हाइल शी वाज मेकिंग केक्स इन हर किचन रूम। इट इज ए कॉमन कर्टसी टू से गुड मॉर्निंग टू समवन व्हेन वी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो द राइटर हियर स्ट्रेच हिज हैंड टू मेक ए हैप्पी हैंड शेक विथ द मदर ऑफ मिस मैगी। But the mother, Miss Bethy, expressed his unwillingness to do so because her hand was wet and covered with flour. Now we proceed on from the second part. See the book. What kind of country is India, sir? Asked Mrs. Smithy as she resumed her cooking. Rusi Korea Samare Miss Bethy writer ku pacharuchan di Bharat ku prakar ra desh. Writer uttar dechanti a beautiful country, bahut sundar desh. Safe to live in, aren't there too many snakes and tigers, don't they kill people? Tapare Miss Bethy pacharuchanti ko Bharat goti निरापद जगह जो थी कि साप एवं बाघ मैंने मनीष को आक्रमण करते ना मारते ना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज ऑफन बीन आस्क्ड। डोंट बिलीव दैट स्नेक्स एंड टाइगर्स आर किल्ड बाय पीपल इफ दे कम टू क्लोज। राइटर बुझाई कहते भावतु ना जे साप एवं बाघ मैंने मनीष बस कि मारे जितेबाद कौन सहर कि ग्राम से प्रवेश करती से लोक मैंने मारि दिखते। माइ सन इज इन पंजाब हिज ए सोल्जर क्वाइट कैंड ऑफ प्लेस इज पंजाब। देन अनदर क्वेश्चन पुट बाय मिसेस बेथी टू द राइटर हिज सन इज इन पंजाब व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इज पंजाब इट इज ए गुड प्लेस और नॉट। दि पंजाब इज ए फाइन प्लेस इट इज ए भेरी हेल्दी प्लेस टू लिव इन। उत्तर में कहते राइटर जे पंजाब हूँ गोटे बहुत स्वास्थ्यप्रद जगह जो रही मनीष आराम शांति सुस्थिर रही पारे। आई एम ग्लाड टू हियर इट मिसेस बेथी से मिसेस बेथी उत्तर देखते ये पदक कथ आप शुणी मत बहुत खुशी लगुच। हर बेकिंग वाज फिनिश मैगी शी सेड टेक मिस्टर गुप्ता टू अपस्टेयर्स आई विल वाश माय हैंड्स एंड ब्रिंग टी। तापर मिस मैगी मिसेस बेथी तांको झियो मैगी को कहते मैगी मिस्टर गुप्ता जी की थे राइटर बर्तमान ये प्रथम कर नाम को प्रकाश कर राइटर का नाम हूँ मिस्टर गुप्ता। से कहते मैगी की जे मैगी मिस्टर गुप्ता को ऊपर महला को ले जाओ मुझे पचरि तार वर्तमान सुधा आम तीन जन ना जापारे प्रथम थे मिसेस बेथी मदर ऑफ मैगी मिस मैगी द डॉटर ऑफ मिसेस बेथी एंड नाउ द नेम ऑफ द राइटर मिस्टर गुप्ता। वर्तमान सुधा आम तीन जन ना जापारे आउ जन क्या ना बाकी अच्छी पुह का पचर आस। I wash my hands and bring tea. Much I need to wash my hands. As we drank tea, I talked about India. Mrs. Bethy showed me a photograph of her son. It had been kept very neatly in an envelope by the mother. His name was Frankie. What are? Thank you. Poor name. Poor answer. Thank you. Na huji. Poor na huji. Frankie. Yeh toh chaap piya samore. Yeh toh chaap piya chali ji. Sete bade. मिसेस बेथी आणिक गोटे फोटोग्राफ देखते जोटा कि अति जत्न सहकारे गोटे एनभल भितर गोटे लफा भितर सैकड़ रखी केयरफुल आखा देखा जे ये हूँ मो पु फ्रांकी जे कि
भारत रे जने सैनिक हिसाब से नियुक्ति पाई मैगी शेड मिसेस बेथी सो मिस्टर गुप्ता द रिंग व्हिच योर ब्रदर सेंट यू पुनर्बार फोटो देख सारा मिस बेथी मागिकी कहते जाओ तुम्हें तुम भाई फ्रांकी तुम पाखक पठे मुदिर को आणिकी मिस्टर गुप्ता को देखाओ सी ब्रट इट एंड आस्ट मागि से मुदिर को आनी कैन यू सी द पास्ट एंड फ्यूचर इन इट I took it and examined it. तापरे मागी राइटर को मुदी देखी पचारूँ आप मुदी के लक्ष्य कर जानपरिवे कि पास्ट एंड फ्यूचर विषय कौन सी व्यक्ति को विषय भाविकी पास्ट एवं फ्यूचर विषय आपर कि देन I took it and examined it. तापरे राइटर कहते मागी हाथ मुझे मुद्रिका टी आणी और तन्न तन कर परीक्षा कर देखी When Frankie sent the ring, Mrs. Bethy said he wrote that if you concentrate on a distant person as you gaze into it, you'll be able to see him and what he is doing. तापर से कहते दे ये मुद्रिकाटी को फ्रांकी तांकर स्नेहर भौणी मैगी पे पठे थे से लिखी थे जदि तुम मुद्रिका को लक्ष्य कर एकाग्र सहकार मो विषय भाव तुम देखने जापर जो मुझे भले अच्छे ना मंदिर अच्छी कौटी अच्छी कमी कौन को सब जापर देखिए तुम मो कथा भाव जदि कौन व्यक्ति बहुत दूर जगार अच्छी विषय तुम किसी संवाद पाईपार ना ये मुद्रिका को लक्ष्य कर मो विषय भाव मुमी अच्छे बर्तमान भविष्य केमी रही अतीत केमी सब विषय जापर से कह We have not had many news from Frankie for a long time. आमे फ्रांकी थारु कोनोसी खबर आज पर्यंत पाइनहु बट वी हाव नट बीन एबल टू सी एनिथिंग किंतु आमे तो कहीं मुद्रिका को देखिए जानपरू व्हाई डोंट यू ट्राए यू आर एन इंडियन यू मे बी एबल टू डू इट आपण जने भारतीय आपण मु भावुछ बोधे मुद्रिका को देखिए आपण किसी जानपरिबे फ्रांकी विषय आम किसी जानपरू मुद्रिका देखिए आप दया कर देखिए कहतु फ्रांकी बर्तमान भारत में भल कि आई डि नट हाव दि हार्ट टू टेल दि मदर एंड डॉटर दैट रिंग वाज नथिंग मच नॉट ए मिराकुलस थिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट लैंड हाउ कुड आई शटर देयर ड्रीम राइटर कहते मुझे मुद्रिका को देखिली भितर किसी से आश्चर्य मैजिकाल पावर किसी भी ना अतीत को ना कहीहब ना भविष्य कहते कि ना गोटे साधारण मुद्रिका टी कि जेहेतु गोटे आशा रखिक मत पचार पुओ विषय जानवापी तेणु तक आशा को मुझे स्वप्न को मुझे भांगिदेवी तेणु हाउ कुड आई शटर देयर ड्रीम स्वप्न को आशा को मुझे किपर भांगिक चुरका चुरमार करदेवि तेणु मुझे राजी हो जन देख पार्ट थ्री सेवेराल मंथ पास यार समय बहुत दुई तीन मस प्राय अतिक्रम कर दुई तीन मस आई विजिटेड मैगी एंड मिसेस बेथी राइटर कहते मुझे मैगी एवं मिसेस को साक्षात करने गली बट नो न्यूज हैड कम फ्रॉम फ्रांकी किंतु ए पर्यंत फ्रांकी थारु कोनोसी खबर आसी मेसेज आसी पहुंचे से किपर अच्छी मिसेस बेथी वाज सिक मिसेस बेसी बेथी असुस्थ हो पड़े इन ए सीरियस कंडीशन अति खराब हो जाए शरीर आग्रेवेटेड बाय हर एंजाइटी फॉर फ्रांकी फ्रांकी कथा दिन राति भाभी भाभी देह एत असुस्थ हो पड़ी जे से भल हवा अवस्था नहांती अर्थात मागी कहवा अनुसार जे से आगु एबे के भले असुस्थ अनुभव करिन थिले आई वाज इन फिक्स मुठके डिलेमा ये द्वंद्वरे पड़े दोदोपांछारे पड़े मु कोन को कहि उत्तर देबे व्हाट कुड आई से टू कंसोल दि मदर मु तांकर मां को मिसेस बेथी को मा मागिरो मां को कोन कहि कि सांत्वना देबे केमिति बुझैबी मु किछ चिंता करि पले ओनली गॉड न्यू व्हेदर फ्रांकी वाज स्टिल अलाइव फॉर डेड ए विषय केवल भगवान ही जानिसंदी वर्तमान फ्रांकी जीवित अच्छे ना मृत अच्छे नेक्स्ट पैराग्राफ मिसेस गुप्ता द गर्ल सेड माय मदर हैज नॉट बीन इल
लाइक दिस बिफोर तापरे मागी कहते जे मोर मा पूर्व ये भाग असुस्थ के नी आई हाव रेड इन बुक्स दैट इंडियंस लव द ट्रुथ मु बही पढ़ी थी जे भारतीय माने सत्यवादी से सब सत्य ही कहते इफ यू कुड ब्रिंग योर सेल्फ टू टेल मदर ओनली वंस आफ्टर लुकिंग इन द क्रिस्टल दैट फ्रैंक इज ऑलराइट दैट हिज अलिव ही विल बी टू मच इट विल बी टू मच ऑफ ए लाइ विल इट बी वेरी रॉन्ग तापरे मागी राइटर को बुझाक कहते आपण भारतीय मान सत्यवादी आप सब सत्य कह भल पाती कि वर्तमान मो मां निकटने आपण को गोटे मीछ कथ छोटिया मीछ कथ कह पड़ो जद्वारे कि मीछ जदिओ भी पाप जिन तथा पाप छोटिया पापटी आप भूलटे भी करपारती कि जद्वारे कि मो मां जीवन टी रक्षा पाई पारे तेणु आप दयापूर्वक मोपाई छोटिया मीछटे कहतु विल इट बी भेरी रंग कहला गोटे किसी भूल हो भूल किसी हम ना बोली मैगी पचार मो तरफ मो मां को बंचाई आपण को गोटे मीछ कथे कह पड़ो फ्रांकी वर्तमान पंजाब में जीवित अवस्था अच्छी तार कौन देह असुस्थ है ना जदि मु चाहे मो मां को बंचाई आई थॉट इट ओवर आई एम नॉट ए वेरी वर्चुअस मैन सो आई डिसाइडेड टू डू दिस एटलिस्ट स्टॉप माय ऑफेंसेस राइटर कहते मुमित भाग गोटे पवित्र आत्मा नुह कौन गोटे महान आत्मा नुह कौन गोटे पुण्यात्मा नुह जमी गोटे छोट कथे कहीदे मोर कि पाप हो जाए तेणु भाविली पुनर्बार चिंता कर भाविली जहा यही परिस्थिति में मत छोटिया मीछटे कहवाक हि पड़ो मैगी ब्रट मी दि रिंग आई टुक इट एंड अप्रोच हर मदर्स बेड साइड विशिंग हर ए गुड मॉर्निंग आई सेड मिसेस बेटी योर सन इज अली इज वेल तापरे मुद्रिका को धरी राइटर मिस्टर गुप्ता मिसेस बेथी को बेडरूम बेड बेड पाखे आसिक पहुंचते गुड मॉर्निंग कह कहते मिसेस बेथी गुड मॉर्निंग आपण को पुओ फ्रांकी वर्तमान जीवित अच्छी से भल अवस्था भी अच्छी राइटर कहते जे आपण को पुओ फ्रांकी वर्तमान भल अच्छी सुस्थ अच्छी और जीवित भी अच्छी आपण कौन चिंता करने आवश्यक ना दि ओल्ड मैन रेज्ड हर हेड ए लिटिल ऑफ द पिलो टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस वेल्ड अप इन योर आईज मिसेस बेथी सून रिकवर्ड ये कथापदक जितेबाद शुणी मिसेस बेथी सांगे सांगे सुस्थता को से प्राप्त करते भल हो सांगे सांगे पिलो रु बात कक्ष मुंड टेकी आनंदर अश्रुता आखिर गड़बार चलिए आखिरे पुनर्बार मान खुशी लुह भरी जाइए वेल्ड अफ आर आईज आ मिसेस बेथी सांगे सांगे आरोग्य भी लाभ कर भल हो इट वाज अलमोस्ट टाइम फॉर मी टू रिटर्न टू इंडिया यापर भल हो आउ कि दिन अतिक्रम हो मिसेस बेथी वर्तमान संपूर्ण आरोग्य लाभ कर सारी यार आउ केते दिन अतिक्रम कर आउ केते दिन पर इट वाज अलमोस्ट टाइम फॉर मी टू रिटर्न टू इंडिया बर्तन राइटर कहते बर्तमान मतलब भारत को प्रत्यावर्तन करने इट इज टाइम टू रिटर्न टू माय ओन कंट्री बर्तन से फेर बाहर बर्तन से आगु लंडन रे थे ये हूँ लंडन रही बर्तमान राइटर बाहर भारत को प्रत्यावर्तन करने फेर आई विश टू गो टू से गुड बाय टू मैगी एंड हर मदर मु भावुची मु वर्तमान जाइए मिसेस बेथी एवं मिस मैगी को मु भारत को फेरुची खबर टा जन बट द फैमिली वाज इन मॉर्निंग पर मॉर्निंग मीन्स आई हैव रिटन इट एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो फॉर समवन हु हैज डाइड शोक सभा कर शोकांदा मान गोटे लोकटे घर पर जन मरी जाइए मानते मन दुखरे भाराक्रांत हो तेणु मॉर्निंग नॉट एमओआर एन मॉर्निंग मीन्स सकाल बट मॉर्निंग मीन्स शोक करवा कांदा अवस्था गोटे लोक मरीगला दि फैमिली वाज इन मॉर्निंग फ्रांकी हैड बीन किल्ड इन द फाइटिंग ऑन द फ्रंटायर फ्रंटायर मीन्स ऑन द बॉर्डर आई हैव नॉट बीन किल्ड
ଅଫ୍ରଣ୍ଟ ଟାୟାର ଡିଡ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଟି ଆଇ ଇ ଆର୍ ବଡ଼ Frankie had been killed on the front air. I calculated and I found that Frankie had been dead some days when I told his mother he was alive and well. I felt ashamed to face Mrs. Betty, so I wrote a letter to them announcing my departure from bidding them goodbye. Yaro artha hala writer Mr. Gupta bartaman swadesh ko pratyabartan kariya pai bahar chanti. Frankie had been killed in the fighting on the frontier. ଭାରତର ସୀମାରେଖାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ସୀମାରେଖାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାଙ୍କିର ମୃତ୍ୟୁ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି. ଏଇ ଖବରଟା ଆସିକି ମିସ୍ ବେଥି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମିସ୍ ମ୍ୟାଗିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ. ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ରାଇଟର ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି. ସାଗୁର ତ ମିଛ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାରେ ଭାବୁଛନ୍ତି. ଆଇ କାଲକୁଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଦାଟ ଫ୍ରାଙ୍କି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଡେଡ୍ ସମ୍ ଡେଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିଜ୍ ମଦର ହି ୱାଜ୍ ଆଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍. ସେ ଯେଉଁଦିନ କହିଥିଲେ ରାଇଟର ସେ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଦେଖିକି ଯେ ତୁମ ପୁଅ ପଞ୍ଜାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଜୀବିତ ଅଛି, ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଲରେଡି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲେ. ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ମିଛ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ରାଇଟର ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ. ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି. ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଆସେମ୍ଡ ଟୁ ଫେସ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି, ସୋ ଆଇ ରୋଟ୍ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଦେମ୍. ମୁଁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଦେଲି ଆନାଉନ୍ସିଂ ମାଇ ଡିପାର୍ଚର ଆଣ୍ଡ ବିଡିଂ ଦେମ୍ ଗୁଡ୍ବାଏ. ଏବଂ ଚିଠି ଲେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଭାରତକୁ ବା ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି. ଏହି ଖବରଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଜଣେଇଦେଲି. ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଡଣ୍ଡ, ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଇଟର ଥିଲେ କୋଉଠି, ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ବା ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି. ଲଣ୍ଡନରେ ସେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଦିନ କୌଣସି କାମରେ. ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଡଣ୍ଡ, ଡଣ୍ଡ ମିନ୍ସ କେମ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ, ଲଣ୍ଡନରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଜି ଆସିକି. ଆଇ ୱାଜ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦାଟ ନାଇଟ୍, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଫେରିବି. ଆଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ହାଭିଙ୍ଗ ମାଇ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଦେୟାର ଆଜ୍ ଏ ନକ୍ ଆଟ୍ ଦି ଡୋର୍. ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସକାଳ ଜଳଖିଆକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆସି ଜଣେକି ଖଟଖଟ କରିଛି, କବାଟ ବାଡ଼ିଛି. ମାଗି ହାଡ୍ କମ୍ ଟୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ସି ୱାଜ୍ ୱେୟାରିଂ ବ୍ଲାକ୍. ଏବଂ ସେହି ଦ୍ୱାର ବା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଶବ୍ଦ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ମିସ୍ ମ୍ୟାଗି, ସେ ମଧ୍ୟ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ. କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର ସଂକେତ ହେଲା କୌଣସି ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି. ମ୍ୟାଗି କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ରାଇଟରଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କିଛି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, କ'ଣ ସେ କହି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ. କଳା ଡ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାଗି ପିନ୍ଧିଛି, ଆଜି ରାତିରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ରାଇଟର ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କାହିଁକି ସେ ଆସିଛି. ମ୍ୟାଗି ହାଡ୍ କମ୍ ଟୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ସି ୱାଜ୍ ୱେୟାରିଂ ବ୍ଲାକ୍, କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପରିଧାନ କରିଛି. ପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛି ଆଇ ୟୁ ଲିଭିଂ ଟୁଡେ, ୟେସ୍ ଆଇ ରିପ୍ଲାଇ ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଦି ଡେ ଅଫ୍ ମାଇ ଡିପାର୍ଚର୍. ଏବଂ ରାଇଟର କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଲଣ୍ଡନ ଛାଡ଼ିକି ଭାରତକୁ ଯିବି. ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ୟୋର୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆପଣ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, କି ସମୟ ଲାଗିବ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଡୁ ୟୁ ଲିଭ୍, ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲେଇବେ, କେଉଁଠି ରହିବେ. ସେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ନୋ, ମାଗି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ଯେ ଆପଣ ଭାରତ ଗଲେ କେଉଁଠି ରହିବେ, କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ. ଆଇ ହାଭ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଦି ପଞ୍ଜାବ ସର୍ଭିସ୍, ଆଇ ଶାଲ୍ ନଟ୍ ନୋ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହୋୟାର ଆଇ ଆମ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଆରାଇଭ୍ ଦେୟାର, ମୁଁ ସେଠାରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବରେ ମୋତେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଞ୍ଜାବରେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବର କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁନି. ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଇଟ୍ ଦି ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଭେରି ଫାର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର,
माने मागी तो जानी सर जे ताको भाई को फ्रंटियर रे माने बॉर्डर रे पाकिस्तान एवं भारत रो बॉर्डर सीमा रेखा रे ता भाई फ्रांकी को समाधि दे जाय कि ताको कवर दे जाय छी तेम सेठु मागी पछाउ छी आपण पंजाब रे जो जगह रे जिबे सेठु सीमा रेखा वा फ्रंटियर बॉर्डर लाइन ता केते बड नट नो नट वेरी प्रणा बहुत दूर नहि फ्रांकी इज बरी नियर द फ्रंटियर एवं ये बर्तन मागी कहूँ मोर भाई फ्रांकी से फ्रंटायर से बॉर्डर से सीमारेखे भारत एवं पाकिस्तान सीमारेखा से मो भाई को पोती दि जाए समझ दि जाए दि गर्ल्स आईज फील विथ टीयर्स आज सी स्पोक ये कथ बोध कह समय मागी आखिर लोतकर धारा बहिवार चलती से कांदी पकाउ बर्तन दुख से आज सी स्पोक व्हेन आई गो टू दि दैट पार्ट ऑफ द कंट्री आई शैल विजिट योर ब्रदर्स ग्रेव एंड राइट यू तापर राइटर कहतु मुझे जेते बेले पंजाब रे पहुंची मुझे सही आपन को चिठी टी लिखी कौन हो घटना कौन आई सैन भिजिट योर ब्रदर से ग्रेप तुम भाई से कबर स्थान को परिदर्शन कर सारापर देखी सारापर आई सैन राइट ए लेटर टू यू आफ्टर भिजिटिंग योर ब्रदर से ग्रेप लास्ट पार्ट फोर्थ मागिस फेस फिल्ड विथ ग्राटिट्यूड कृतज्ञतार मागी मुखमंडल उद्भासित होते मुखमंडल दुखर आलोक दुखर अंधकार घटी जाता बर्तमान से शुणा मुझे तुम भाई कबरस्थान को परिदर्शन करी एवं कौन है डिटेल्स चिठी लिखी जन कथ को शुणिकी मागी मन खुशी भरीगला आज से थैंक मी फर भयस चुप्त मत धन्यवाद देला समय तंटी बर्तमान चुप्त हो जाए बर्तमान बाष्परुद्ध हो जाए किसी किसी दुख से दुख एवं सुख मिश्रित सीटुक ए सिलिंग आउट ऑफ हर पॉकेट से प्लीज बाय फ्लावर्स विथ दिस व्हेन यू गो एंड ले देम ऑन माय ब्रदर्स ग्रेव फॉर मी एवं से ही समय मागी तो बहुत कष्ट पैसा रोजगार हो एक सिलिंग हम एक पैसा सभा से बहुत परिश्रम कर कठिन परिश्रम कर बहुत एक पैसा से रोजगार करता अति जत्न सहकारे से पकेट रू गोटे सिलिंग बाहर करोड़े सिलिंग लिखा है कौन होती कोड़े सिलिंग एक पाउंड हम से गोटे मात्र सिलिंग से अति कष्ट रज शनिवार केक ताइला से अति जत्न सहकारे बाहर कर रईटर को सीटाई हाथ को दवापी दौर कहू ये गोटे सिलिंग देखी जोटा कि गोटे पाउंड रोड़े भाग एक भाग प्लीज बाय फ्लावर्स विथ दिस व्हेन यू गो एंड ले देम ऑन माय ब्रदर्स ग्रेव फॉर मी एवं गोटे सिलिंग नहीं कि आप फूल किणवे ये सब फूल को लेकिन मो भाई कवर निकट मो तरफ नहीं बिछे देवे दिस इज दि प्राइस गिफ्ट एक वन सिलिंग टू बाय सम फ्लावर्स नेक्स्ट पेज लास्ट पेज इन माय इमोशन आई लो बर्तमान भावप्रवणता वशतः उद्वेग सहकार आखि तलुक आखिर लुहर धारा गड़ी पड़ी दि चाइल्ड हेड आर्म दि सिलिंग विथ सो मच टॉय छोट पाटी बालिकाटी कुमारी कितने परिश्रम कर एक सिलिंग रोजगार कर आई फेल्ट लाइक रिटर्निंग टू मन मन भावी से वन सिलिंग फेर कारण से तो हुए आज खाई ना नखे पैसा नहीं आई फेल्ट लाइक रिटर्निंग टू इट मुझुची कि पैसा फेरीदेवि कहीं एक्सप्लेनिंग दैट इन आवर कंट्री फ्लावर्स ग्रो इन ग्रेट प्रफ्यूजन दे राइटर सेट फ्लावर्स आर प्लेंटली अवेलेबल इन इंडिया एंड विदाउट एनी कॉस्ट बिना खर्च में भारत में जथेष परिमाण में फुल कहीं आपई टेक् वन सिलिंग फ्रम यू व्वेर फ्लावर्स आर प्लेंटली अवेलेबल इन आवर कंट्री विदाउट एनी कॉस्ट आर एक्सपेंडिचर तेनालीराम भावुंत कहीं टाटे गोटे सिलिंग ने भावुंत मन मन दुख से मन भूपयंकर आखिर लोककर अश्रु बही सारी से भावुंत कहीं टाटे ने भावु सिलिंग ने भावुंत बट आई कनसीडर तापर मुझे मन मन गोटे भावांतर आसूच भावना आसूच वाई सुड आई डिप्राइव हर दि जय दिस साक्रिफाइस वुड गिव हर पुणी रईटर भावुंत ता मनरे जो भावना ता भाई को भल पाइबापी जो जो लव अफेक्शन ता भाई प्रति जो अंतर तरफ जो
बाहरी आसी सेटा को मु काहे कि लिखि दी से केते खुशी सहकार दौच गोटे को से कष्ट होबो से के सेटा को से भाबुन एटा मो बड़ पैसा लिखि मामे उपास रही पछे मो भाई पे मु गोटे पैसा देबी ता मने जो भावना जागरे छ मु ताकू काहे कि ताकू एथु बचित करी से बरो से टंका दे दौ भारत रे फूल बहुत मिलू कि सस्तारे मिलू से गोटे खुशी रे दौच ता खुशी ता को मु काहे कि भागी छु रुआर कर दी शिवाज फॉर गोइ सो मच फॉर लव हर ब्रदर ता भाई को केते से भलो पाउची एथरे लुकायित भाव अच्छी स्नेहटा यू एक पैसा भितर अच्छी जय अफर डुईंग वाज बियॉन्ड ऑल प्राइस मन जो खुशी अच्छी से भावना सहकारे जो भाव विहल हो गोटे सिलिंग दौर अति कष्ट रोजगार कर भाई शेष साक्षात क्रियापाई कहीं वंचित करी आई दिस इज दि प्राइसलेस गिफ्ट और बियॉन्ड ऑल द प्राइस कहीं मुझे वंचित कर दि ग्रिफ इन योर हार्ट वुड बी इज ए लिटिल जदि से वन सेलिंग दिए किसी परिमाण में मन जो दुख जो कह किसी परिमाण तो प्रशमित हो लिखी तो दैट्स व्हाई आई पिक अप दिस सेलिंग तेनालीक भाविक मुझ से सिलिंग टाक उठेली आने राजी आई टुक दैट सिलिंग फ्रम मिसेस मैगी मैगी आई सेट आई शाल यूज दिस सिलिंग टू बाय पावर्स एंड पुट देम ऑन योर ब्रदर्स ग्रेव राइटर मित्र गुप्ता कहते मिस मैगी तुम्हें जो सिलिंग टा दिल मु निश्चित भाव से सिलिंग को खर्च कर फूल किणवि और तुम भाई समाज पाखे नहीं कि से गुड़िक बिछई देवी पकईदेवी यहाँ हूँ तुम लास्ट गिफ्ट लास्ट प्राइसलेस गिफ्ट उपहार तेरे मुझे कम निश्चित भाव संपादन करी प्रवेश कर मागी स्टूड अप हाउ कैन आई एवर थैंक यू ही सेड गुड बाय रिमेम्बर टू राइट तापर मागी से जो छिड़ा है कहले हाउ कैन आई एवर थैंक यू मुझे किपर मोर अंतर अंदर किपर मु धन्यवाद आपको प्रदान कर गुड बाय विदाय आपण जानतु भलरे जानतु खुशरे रहंतु और रिमेम्बर टू राइट आपको सीट पहुँचला पर निश्चित भाव में मो पा को मेसेज करेंगे चिठीटी लिखे आई गट अफ आंड रईटर से भी उठिले मागी उठिले उठिखेला प्रथम चेयर उठिले रईटर भी उठिले आंड गट अफ आंड हेल्ड हर हैंड गुड बाय मैगी हैंडशेक कले खुशी सहकारे हाथ को धरले कहले विदाय गॉड ब्लेस यू भगवान आपणकर मंगल करंतु आई सेट मु कही सारापर मागी तापर प्रत्यावर्तन कर दूरी जाइए मागी से पड़े जाइए आई वाइट अप टीयर्स फ्रम आई आईज राइटर कहते मो आखि आखि मध्यलोत कर परिपूर्ण ताकि बुझीदेली एंड वे अफ वे वेन्ट अफ स्टेयर्स टू पैक माइ बैग्स तेरु आज रात फेर पड़ो तेणु तक बैग बैगेज को बांधापी ऊपर स्टेयर को गले बर्तमान स्टोरी समाप्ति हो तुम्हें माने चेष्टा कर वार्डर अर्थ को घुसापे प्रश्नर उत्तर लिखापी निजे चेष्टा कर आसो निश्चित भाव धन्यवाद।